डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डिजस्ट्रास एल्गोरिदम, और इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गाइस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जाम्पल। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, इंटरव्यू कहीं पे भी आपसे पूछ लें, आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिए तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिजस्ट्रा एल्गोरिदम। सबसे पहले अगर मैं इसकी आपको एडवांटेज या रियल लाइफ एग्जाम्पल इसका बताऊं कि कहां पे यूज होता है, दैट इज योर गूगल मैप। मतलब कहने का कि हमारी जितनी भी गाइस मेजर प्रॉब्लम्स है ना, बड़ी प्रॉब्लम जिसको हम बोल सकते हैं, लाइक अगर मैं सोशल नेटवर्किंग की बात करूं, लाइक अगर मैं डीएनए मैपिंग की बात करूं, या फिर अगर मैं गूगल मैप, जैसे आप अगर रोड की बात करो, पूरे के पूरे अगर पूरे वर्ल्ड को कैसे कनेक्टिविटी की हुई है, ये सारी चीजें जो है ना, उसको हम एक्चुअल में ग्राफ की वे में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ में जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वही नोड और एजेस की फॉर्म में, चाहे आपका टेलीफोन नेटवर्क भी ले लो, तब इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ का यूज होता है। और उसके अंदर जब भी हमें सिंगल सोर्स से, मतलब एक नोड से मुझे मल्टीपल नोड्स में पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना होता है, देन वी यूज व्हाट, डिजस्ट्रास एल्गोरिदम। बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, इसीलिए इसको बोलते हैं, क्योंकि एक सोर्स से, मतलब एक नोड से बाकी के सारे नोड्स तक पहुंचने के लिए मिनिमम पाथ फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं इस एल्गोरिदम को, इसीलिए इसको मिनिमाइजेशन एल्गोरिदम भी बोल सकते हो। ये अप्रोच कौन सी यूज करता है, ग्रीडी अप्रोच जो है वो यूज करता है, और ऑप्टिमल आंसर हमेशा प्रोवाइड करता है। मैं इसको ना बड़े एग्जाम्पल से आपको लेटर ऑन बताऊंगा, पहले मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से इसकी अप्रोच बताता हूं कि एक्चुअल में काम कैसे करता है। एल्गोरिदम तो इसका काफी बड़ा है, लेकिन उसमें जो एल्गोरिदम का जो हर्ट है, एल्गोरिदम का जो मेन क्रक्स है, वो है रिलैक्सेशन। वो मैं आपको बताता हूं कि रिलैक्सेशन हम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेट्स से ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ मैंने लिया हुआ है, आपको यहां पे एजेस जो है वो डायरेक्शन के साथ दिख रही है। तीन वर्टेक्स है, 1, 2 एंड 3, ठीक है, तीन वर्टेक्स है, तीन एजेस है। छोटे से आपको ग्राफ से समझाता हूं, फिर यही अप्रोच आप जो मर्जी बड़ा ग्राफ दिया हो आप इजीली लगा सकते हो। तो देखो, सबसे पहले लेट्स से मैंने मान लिया कि मेरा जो सोर्स है, क्योंकि सिंगल सोर्स है बाकी सब जगह पहुंचना है, तो सोर्स लेट्स से मैंने मान लिया 1, मेरा सोर्स कौन सा है, 1। अब इनिशियली देखो, 1 से 2 तक की कॉस्ट इनिशियली लेट्स से मुझे नहीं पता, मैंने इनिशियली उसको क्या मान लिया, इनफाइनाइट। और 1 से 3 तक की कॉस्ट भी लेट्स से मैंने इनिशियली क्या मान ली, इनफाइनाइट, ठीक है। अब हमारे पास यहां पे आपको दिख रहा होगा कि सर एजेस जो है उनके ऊपर 20, 10, 40 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, कॉस्ट। अब इस कॉस्ट को आप डिस्टेंस मान सकते हो, टाइम मान सकते हो, किसी भी फॉर्म में आप मेजर कर सकते हो, मनी की फॉर्म में, बट यहां पे हमारे पास ये कुछ मैट्रिक दी हुए हैं, कुछ वैल्यूज दी हुई हैं कि 20 कॉस्ट है, ये 10 कॉस्ट है, ये 40 कॉस्ट है। तो इनिशियली लेट से मेरा सोर्स है 1, 2 तक की कॉस्ट मेरी इनिशियली इनफाइनाइट है, 3 तक की कॉस्ट मेरी इनिशियली इनफाइनाइट है। अब हम यहां पे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो यहां पे 2 वर्टेक्स है, U और V। आपको हमेशा इसी तरीके से फॉर्म करना है, 2 वर्टेक्स है, U और V। लेट्स से ये मेरा U है और ये मेरा V वर्टेक्स है, ठीक है ना। स्टार्ट हमेशा किससे करेंगे, सोर्स, दैट इज 1 से। तो ये मेरा U है और ये मेरा क्या है, V। अब देखो, If D of U मतलब distance of this vertex, अब यहां पे पहुंचने के लिए 1 पे हम खड़े हैं, और 1 पे पहुंचने के लिए distance कितना है, 0, क्योंकि हम ऑलरेडी 1 पे खड़े हैं। तो लेट्स से इनिशियली मेरा जो D of U मेरा क्या है, 0, क्योंकि हम उसी पे खड़े हैं। प्लस कॉस्ट ऑफ यू टू वी, मतलब ये जो कॉस्ट है यू से वी तक जाने की जो कॉस्ट है वो क्या है, मेरे को 20 दे रखी है, तो ये मैंने कॉस्ट जो है वो 20 इसमें ऐड कर दी। अगर ये वैल्यू इन दोनों को ऐड करने के बाद, डी ऑफ यू एंड कॉस्ट ऑफ यू और वी, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं क्या आंसर आएगा, 20 जो है वो लेस देन किससे है, डिस्टेंस ऑफ वी। अब डिस्टेंस ऑफ वी कितना है, डिस्टेंस ऑफ वी जो है वो मेरा इनिशियली क्या है, इनफाइनाइट। मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, तो मैंने उसको इनफाइनाइट वैल्यू कह दी। अब देखो, 20 लेस देन इनफाइनाइट है, 20 लेस देन इनफाइनाइट है, yes. तो हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस ऑफ वी को क्या कर देंगे, डी ऑफ यू प्लस कॉस्ट, मतलब इन दोनों को जोड़ के वही हम डिस्टेंस बना देंगे। मतलब वी का जो डिस्टेंस है वो अब क्या हो गया,
20 जो है वो फिक्स कर दिया, ठीक है। पहले इनफाइनाइट था, अब हमने रिलैक्स करके इसको 20 कर दिया। रिलैक्स मतलब हमने इसको मिनिमम करके अब 20 कर दिया। ये मतलब कहानी जो है वो इस तरीके से आपकी स्टार्ट होती है। अब ये मेरा कॉस्ट जो है वो क्या होगी, 20, मतलब 1 से 2 तक पहुंचने की कॉस्ट क्या है, 20, ठीक है ना। ये एल्गोरिथम कैसे काम करता है, मे बी आपको लग रहा होगा कि सर 1 से 2 तो डायरेक्ट 20 लिखा ही हुआ, आप डायरेक्ट ही लिख दो। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन अप्रोच आपको पता होनी चाहिए ना, क्योंकि इंटरव्यूज वगैरह में कहीं पे भी आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेंगे, आपको बताएंगे कि यार काम कैसे करता है। ये एल्गोरिथम जो है वो आपको पता होना चाहिए। अब देखो, ऐसे ही मैं 1 से 3 तक पहुंचना चाहता हूं। अब 1 से 3 तक या तो मैं डायरेक्ट भी पहुंच सकता हूं या मैं वाया पहुंच सकता हूं किसी और के थ्रू। तो पहले हम डायरेक्ट वाले को देखते हैं। डायरेक्ट जो है वो कॉस्ट मेरी इनिशियली क्या है, इनफाइनाइट। तो अगेन मेरा डी ऑफ यू, मैं 1 पे खड़ा हूं और 1 पे मेरे पहुंचने की कॉस्ट ऑब्वियसली 0 होगी। 1 U से V, अब मेरा V क्या हो गया, ये वाला। अब मेरा V कौन सा है, ये वाला। अब U से V तक पहुंचने की कॉस्ट आपकी क्या है, 40। ये दे रखी है U से V तक की कॉस्ट क्या है, 40। क्या ये लेस देन इनफाइनाइट है, 40 लेस देन इनफाइनाइट है, यस 40 लेस देन इनफाइनाइट है। तो डिस्टेंस ऑफ V मतलब 3 का डिस्टेंस आप क्या कर दो, U प्लस कॉस्ट ऑफ UV, मतलब 0 प्लस 40, मतलब ये क्या बन गया अब 40। तो यानी ये इनफाइनाइट काट दो, ये क्या बन गया आपका 40। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया। तो ये 1 से 2 की कॉस्ट 20 होगी, 1 से 3 की कॉस्ट डायरेक्ट क्या होगी, 40। ये पहले स्टेप में किया। देन नेक्स्ट क्या कहेंगे, 1 से तो मेरा हो गया, अब मैं नेक्स्ट किस पे पहुंच गया, 2 पे। अब मैं 2 से फाइंड आउट करूंगा कि क्या इससे कम कॉस्ट हो सकती है। तो 2 से जाने के लिए क्या करना है, लेट्स से ये मेरा U है और ये मेरा क्या है, V। ये मेरा U है और ये मेरा अब क्या बन गया, V। अब देखो, U से V तक पहुंचना है, तो वही यहां पे डिस्टेंस ऑफ U देखो कितना है, अपने कैलकुलेट कर चुके हैं 20। तो डिस्टेंस ऑफ U कितना है, 20 प्लस U से V की कॉस्ट कितनी दे रखी है आपको, 10। ये जो एज है उसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है, 10। क्या ये लेस देन D ऑफ V मतलब डिस्टेंस ऑफ V कितना है, 40। क्या ये लेस है, मतलब 30 जो है इसका कॉस्ट आया, क्या है 30 लेस देन 40 है, है। तो इस केस में आप क्या करोगे, डिस्टेंस ऑफ V मतलब ये जो डिस्टेंस है V, ये U प्लस कॉस्ट, मतलब 20 प्लस कॉस्ट क्या हो गई, 30। तो यानी इसको आप और रिड्यूस करके, रिलैक्स करके आपने क्या कर दिया, कॉस्ट जो है वो 30 रिड्यूस कर दी। गेटिंग द पॉइंट ऑर नॉट, मतलब हम इस चीज को चेक करेंगे, अगर ये कॉस्ट लेट्स से 30 ना होती, ये ज्यादा बनती, तो फिर हम मिनिमम कॉस्ट जो ऑलरेडी है उसी पे रखे रहते, लेकिन ये रिड्यूस हो गई और तो हमने इसको 30 कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, रिलैक्स करते जाएंगे और एक वर्टेक्स से, मतलब सोर्स से सारे वर्टेक्स तक पहुंचने के लिए मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करते जाएंगे। तो नेक्स्ट में हम बड़े ग्राफ पे चेक करते हैं कि कैसे डिजस्ट्रा काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, ये 6 वर्टिसेस का, और इसमें हमारे पास वेटेड ग्राफ है और ये मैंने अनडायरेक्टेड ग्राफ लिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि जो डिजस्ट्रा एल्गोरिथम है वो डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड दोनों पे ही वर्क करता है। तो यहाँ पे इस अनडायरेक्टेड ग्राफ में मेरा जो सोर्स है, दैट इज व्हाट, 1, ठीक है। सोर्स हमें दिया हुआ है 1 और बाकी के सारे मेरे ऑब्वियसली क्या होंगे, डेस्टिनेशन। तो इस पे जब हम डिजस्ट्रा एल्गोरिथम लगाएंगे तो आपको करना क्या है, इस तरीके से टेबल बना लेना है। सोर्स मेरा कौन सा है, 1, डेस्टिनेशन कौन सा है, 2, 3, 4, 5, 6, बिकॉज सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ टू ऑल द डेस्टिनेशन, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब देखो, कहानी जो है वो स्टार्ट होती है 1 से। अब 1 पर आपको ऑलरेडी पता है कि 1 के ऊपर हम ऑलरेडी खड़े हैं, तो 1 से 1 की कॉस्ट ऑब्वियसली क्या होगी, स्टार्टिंग में 0। अब 1 से 2 की कॉस्ट जो है वो आप इनिशियली क्या ले लो, इनफाइनाइट, ठीक है। हमें नहीं पता कि क्या कॉस्ट है 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, कहीं पे भी जाना है, इनिशियली इनफाइनाइट। अब देखो, जो आपको मैंने पहले रिलैक्सेशन वाला फंडा बताया वही एक्चुअल में मेन है, बट आपको इस तरीके से बार बार करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको डी ऑफ यू प्लस कॉस्ट ये फाइंड आउट करने की बार बार जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसी टेबल पे लगाओ, आप इजीली कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आपको आता है आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, 1 से 2 की कॉस्ट आपको डायरेक्ट दिख रही है 7, तो 0 प्लस 7 क्या हो गया, एक तरह से 7 ही हो गया। तो यानी आप डायरेक्ट यहां पे क्या लिख दो, 7। 1 से 3 की कॉस्ट आपकी 0 प्लस 9 मतलब 9 हो गई, एंड 1 से 6 की कॉस्ट आपकी 0 प्लस 14 क्या हो गई,
14. अब देखो यहां पे आप 4 और 5 पे अभी नहीं पहुंच सकते, 1 से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है 4 और 5 का, जो डायरेक्ट वाले थे वो मैंने लिख लिए, जो डायरेक्ट नहीं है वो अभी क्या रहेंगे, इनफाइनाइट ही रहेंगे, क्योंकि हम उन पे वाया पहुंच सकते हैं वाया किसी और के थ्रू, वो वाया बाद में आएगा क्योंकि अभी तक हम सिर्फ डायरेक्ट वाले में से मिनिमम चूज करेंगे। तो देखो ये जो डायरेक्ट वाले मैंने लिख लिए, अब इन सब में से आपको करना क्या है, सबसे मिनिमम चूज कर लेना है। तो सबसे मिनिमम कौन सा है, 7, तो इसके ऊपर इस तरीके से आप राउंड मार्क कर लो, मतलब ये आपका फिक्स हो गया, ये आपका रिलैक्स हो गया, इससे कम ये अब नहीं हो सकता। तो 2 तक आप कैसे पहुंचोगे, 1 से 2 जो है वो आप 7 कॉस्ट में पहुंच जाओगे, ठीक है ना। अब 2 आपका एक तरह से सोर्स के अंदर आ गया, बिकॉज 1 से 2 वाला आपका फिक्स हो गया, दैट इज व्हाट 7 कॉस्ट। देन अब देखो, अब ये वाला तो आपका फिक्स हो गया, तो इसको तो बार बार छेड़ने की जरूरत नहीं, इसको तो एज इट इज रखो। 1 से 3 की कॉस्ट, तो 1 से 3 की कॉस्ट अभी तो है 9, लेकिन अब हमारे पास वाया आ गया 2, क्योंकि अब हमारे पास 2 भी आ गया ऑप्शन में, तो वाया 2 देखो, वाया 2 कॉस्ट कितनी बन रही है 17, तो ऑलरेडी मैंने 9 जो है वो मिनिमम लिखी हुई है, तो अब आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। 1 से 4 वाया 2 है, 1 से 4 अगर मुझे जाना है तो देखो वाया 2 में जा सकता हूं, व्हाट इज द कॉस्ट, 7 प्लस 15 22, तो 22 जो है वो यहां पे लिख लो, पहले इनफाइनाइट था अब 22 हो गया। अब देखो 1 से 5 की कॉस्ट, 1 से 5 वाया 2 जा सकता हूं, नहीं, 1 से 5 जो है वो वाया 2 भी नहीं जा सकता, डायरेक्ट तो है ही नहीं, तो ये आपका इनफाइनाइट ही रहेगा। 1 से 6 की कॉस्ट पहले थी 14, अब 2 के थ्रू, लेकिन 2 के थ्रू कोई डायरेक्ट लिंक ही नहीं है, तो यानी ये 14 ही रहेगा, ठीक है ना। बस एक एक करके आपको इस तरीके से चेक करते जाना, बड़ा मजेदार सा न्यूमेरिकल है, जब भी आपको डिजेस्ट्रा का मिलेगा। अब देखो इनमें से फिर आप मिनिमम चूज कर लो, तो मिनिमम इनमें से कौन सी है, 9, ठीक है ना, क्योंकि 7 तो ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, तो 9 कौन सी थी आपकी, 3 की कॉस्ट, तो यानी आपका अब 1, 2, 3 ये तीनों एक तरह से आपका 2 और 3 भी रिलैक्स हो चुका है, मतलब आपको इसकी मिनिमम कॉस्ट मिल चुकी है, तो इसको अब नहीं छेड़ना, ये आपका 7 का 7 ही रहेगा, ये 9 का 9 ही रहेगा। अब हमें 4, 5 और 6 में चेक करेंगे रिलैक्स करके कि क्या और रिड्यूस कर सकते हैं, तो 4 पे चलते हैं। अब देखो 1 से 4 मुझे जाना है, तो वाया 2 जो है वो 22, 22 कॉस्ट बन रही थी, अब वाया 3 भी मैं चेक कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास अब 3 भी आ चुका है सोर्स के अंदर, तो 1 से 3 एंड 3 से 4, ये देखो देयर इज अ पाथ, तो 9 प्लस 11 क्या होगी 20, तो पहले क्या थी 22, अब क्या हो गई 20, तो मैं रिड्यूस कर दूंगा 20 पे, ठीक है। देन उसके बाद मेरे पास देखो 5 पे पहुंचना है, अब 1 से 3 मैं पहुंच सकता हूं, लेकिन 3 से 5 कोई लिंक नहीं है और 2 के थ्रू भी कोई लिंक नहीं है, तो यानी ये अभी भी आपका इनफाइनाइट ही रहेगा। देन 6 देखो, 1 से 6 की कॉस्ट अभी 14 थी, 2 के थ्रू कोई लिंक ही नहीं है, बट 3 के थ्रू देखो, 3 के थ्रू अगर मैं जाता हूं तो 9 प्लस 2, 1 से 3, 3 से 6, तो 9 प्लस 2 क्या होगी 11, तो ये भी रिड्यूस होके क्या हो गई 11 हो गई, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको फिर अगेन मिनिमम चूज करना है, तो मिनिमम चूज करोगे तो 20 इनफाइनाइट और 11 में से मिनिमम आपका 11, यानी नेक्स्ट नोड भी आपकी रिलैक्स होगी, दैट इज 6, 1, 2, 3, 6, ये आपके पास 4 वर्टेक्स अब आ चुके हैं, ये रिलैक्स हो चुके हैं, अब इनको कुछ नहीं छेड़ना, ये आपके एज इट इज रहेंगे, तो इनको एज इट इज आप बबल में इसी तरीके से रख लो। अब हमें सिर्फ 4 और 5 चेक करना है, तो 4 पे देखो ये कॉस्ट मेरी कितनी थी, 9 प्लस 11 क्या थी 20, 6 के थ्रू अगर मैं जाता हूं तो नहीं, कॉस्ट इंक्रीज ही होगी, 20 से कम नहीं होगी, तो 20 को 20 ही लिखा रहने दो। अब देखो 5 पे जाना है, तो 1 से 5 डायरेक्ट तो है नहीं, 3 के थ्रू भी नहीं है, 2 के भी, लेकिन 6 के थ्रू है, ये देखो 6 के थ्रू मेरे पास यहां पे कॉस्ट है, तो 6 के थ्रू अगर मैं जाता हूं तो 14 प्लस 9 मेरी कॉस्ट कितनी बनेगी यहां पे 23, लेकिन अगर मैं एक और देखो पाथ यहां पे एक और भी दिख रहा है, बड़ा ध्यान से देखना आपको, 1 से 3 9, 9 से इधर मैं चला गया 2, मतलब ये आपका 1 से 3, 3 से 6 एंड 6 से 5, ठीक है, ये वाला देखो 1 से 3 कितनी कॉस्ट है 9 प्लस 2 11 प्लस 9 क्या हो गई 20, लो जी ये भी रिड्यूस होके क्या हो गई 20, गेटिंग द पॉइंट। तो यहां पे इस तरीके से आपको रिलैक्स करना है। अब देखो मिनिमम यहां पे 2 आ गई, 20 20 दोनों ही बराबर वैल्यूज है, अगर इन केस कोई बड़ी छोटी आती तो हम पहले छोटी वाली को उठा लेते, लेकिन मैं सारी केस एक ही न्यूमेरिकल में कवर कर देता हूं, तो इन केस अगर आपको बराबर भी आ जाती है इस तरीके से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। लेट से मैंने 4 चूज कर लिया, तो 4 चूज कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, दोनों बराबर ही है। तो 1, 2, 3, 6 के बाद मेरा क्या चूज हो गया, 4 चूज हो गया। अब देख लो 5, अब 5 पे पहुंचने के लिए क्या कोई और पाथ है, थ्रू अभी आपने क्या किया था 4, तो 4 के थ्रू भी एक बार चेक कर लो, तो 4 के थ्रू अगर मैं बात करूं तो 22 प्लस 6
28 नहीं, मिनिमम आपकी यही 20 वाली ही रहेगी, ये वाला पाथ ही रहेगा। तो नेक्स्ट भी अगर आप चूज करोगे तो 20 वाला ही मिनिमम रहेगा। तो ये आपका 1, 2, 3, 6, 4 और ये 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो सिंगल सोर्स से सारे तक पहुंचने का आपको पाथ पता लग गया, मिनिमम कॉस्ट जो है वो पता लगी। तो इस तरीके से डिजस्ट्रा एल्गोरिदम जो है वो काम करता है। तो फाइनली आप इन सारे वर्टेक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे 1, 1 के बाद हमने यहाँ पे 2 सेलेक्ट किया था तो 2 वाली कॉस्ट यहाँ पे कितनी थी आपकी 7, और 1 से 3 हमने इस तरीके से सेलेक्ट किया था यहाँ पे तो ये होगी थी 9, 6 पे जाने के लिए हम वाया 3 गए थे तो ये वाली कॉस्ट होगी आपकी 9 + 2 = 11, और 5 पे जाने के लिए हमने 6 के थ्रू गए थे 3 और 6 के थ्रू तो ये कॉस्ट आपकी 20 हो गई थी, और 4 पे जाने के लिए हम वाया 3 गए थे तो ये कॉस्ट आपकी 9 + 11 = 20 हो गई थी। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हो, ताकि आप कोई भी कॉस्ट जो है वो फाइनल कर सकते हो। कई बार इस सीक्वेंस को भी पूछ लेते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट यूनिक, जैसे हमने यहाँ पे इसको चूज किया, अगर बराबर वेट है तो आप पहले इसको भी चूज कर सकते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन जो है पूछते हैं, जब आपने ये कंप्लीट कर लिया आप इजीली आंसर दे सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एनालिसिस की बात करेंगे और व्हाटएवर द डिसएडवांटेज, क्योंकि ये नेगेटिव वेट साइकिल पे या नेगेटिव वेट एज पे कैसे काम करता है नहीं करता, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।